भाई मैंने ओढ़ लिया अपना रेनकोट और यहाँ पे हो रहा अभी 16-17 टेम्परेचर, और अब यहाँ पर रूम लेंगे, रुकेंगे, उसके बाद कार्यक्रम आगे। ये देखो भाई अभी जा रहे हैं रेनकोट लेने, इन भाई ने पहन रखा हमारा वाला, और सुबह के जगह हुए 4 बजे के, और सुबह से पड़ रही है बारिश। ये देखो भाई ये हिसाब, बारिश लगातार पड़ रही है। जय भोले शंकर। और घबराहट भी हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा, ये देखोगे देखो व्यू देखो भाई, हवा टाइट, और बिना रेनकोट के चल रहे हैं अभी हम। ये भाई साथ में भाई, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। हाँ जी अभय जी, बिना रेनकोट के शंकर जी महाराज की शरण में चल रहे हैं। यहाँ पे लेंगे रेनकोट, उसके बाद यमुनोत्री के। तो भाई अब हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे, यहाँ से 6-7 किलोमीटर हमें चलना है, और पीछे जो देख रहे हो वो है हिमालयन रेंज, अभी भी वहाँ पर बर्फ देखने को मिल रही है, और आगे पूरे रास्ते बारिश पड़ रही है। दिल्ली में तो बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है, और बाकी सीन आपको आगे दिखाएंगे, पूरे रेडी हो चुके हैं, सारे भाई ने रेनकोट ले लिए, उनको वो भी ले लीजिए, तो बाकी मिलते हैं भाई आगे, ठीक है, जय भोले की। भाई थोड़ा दूर ही चले हैं और मेरे तो पैर ने जवाब दे दिया और सांस फूल रहा है अभी, तो 7-6 किलोमीटर आगे और है, सेम इससे भी खड़ी खड़ी चढ़ाई आएगी, रास्ता भी ऐसा है आगे जाके और बिगड़ जाएगा। और ये देखो ये हिमालयन रेंज। और भाई एक बात बताऊं, जो हमारी ये वाली कांवड़ यात्रा होने वाली है, ये 4 धाम में से 2 धाम की हम इसको कवर करेंगे, हम जितना भी हमारे पास टाइम है 1 हफ्ते का पूरा टाइम लेके चलेंगे घर से, ठीक है। और अभी से ही हवा टाइट, बाकी जय भोले की ने की जय, बाकी टीम पूरी एक्टिव चल रही है और आधे लोग आ रहे हैं थोड़े बहुत पीछे। तो भाई पहुंच गए हैं अपने यमुनोत्री धाम के स्वागत गेट पर, जरा पीछे देख लो, और बाकी टीम निकल गई है थोड़ी आगे और कुछ है थोड़ी पीछे। हाँ जी अबे भोले जी, कैसे लग रहा आपको? जय शंकर जी महाराज की जय। और ये हमारे साथ आ गए हमारे साथी, हमारी यात्रा में पूरा सहयोग करते हुए। ये देखो भाई ये हमें देख के रुक रहे हैं और हमारे साथ चल भी रहे हैं, और हम पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार में, जहाँ पे कुछ भोले अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। जय भोले की। ये देखो ये हमें इशारा कर रहे हैं भाई, चलो क्यों ना हो तुम। भाई सही में ही स्वर्ग है ये धरती पर। अभी भाई 4 किलोमीटर और बच रहा है, ऐसे ही थकते थकते चल रहे हैं भाई, एकदम थक चुके हैं बढ़िया तरीके से। भाई पसीना देख रहे हो कितना हो रहा है, पहले तो हो रही थी यहाँ पे बहुत तगड़ी बारिश, आपने देखी भी होगी कि उत्तराखंड और हिमाचल में कैसी कैसी बारिश हो रही है, तो आधे बंदे का प्लान भी बन रहा था कि अवॉइड करते हैं, लेकिन एक बात में मेरे दिमाग में मतलब एक बात क्लिक करी यार, कि जब यहाँ पे आए हैं और 4 धामों में से 2 धाम ये हैं, तो भाई जो होगा देखा जाएगा, कवर करते हैं जय भोले की बोल के। अभी देखो हवा तो टाइट हो रही है पर भाई मज़ा पूरा पूरा आ रहा है, और ये देख लो पीछे, ये हम अपने वहाँ से देख रहे थे ना, बहुत दूर लग रहा था, मुझे लगा यहाँ तक नहीं आएंगे, और सुबह के टाइम पे यहाँ पे थे बहुत ही ज़्यादा बादल, तो हम इसको भी क्रॉस करके और भी आ गए, करीबन अभी 3.5 किलोमीटर आगे हैं, वहाँ चलते, और बीच में छोटी छोटी क्लिप अगर जो अच्छी लगी मैं वो दिखाऊंगा, ज़्यादा बड़ी क्या करें, लोग बाग भी ज़्यादा हैं तो बड़ी भी हो सकती है। बाकी जय भोले की, जय शंकर जी महाराज। ये देखो ये जो जगह दिख रही है ना आपको, यहीं से हमने अपने रेनकोट लिए थे, और इसके थोड़ी सी आगे हमारा होटल है जहाँ पर हम रुके हैं,
और अब देखना हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये देखो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने वहाँ पे। और ये हमारे भोले आ रहे हैं खास शिष्यों के साथ, और ये गुरुजी हैं ये जो बीच में चल रहे हैं, बाकी गुरुजी पूरा प्रोत्साहन कर रहे हैं हमें। एक गुरुजी नीचे भी छोड़ के आए हैं जो रह रहे उनको साथ लेके आ रहे हैं, और एक तो वो आए हैं जो सुबह सुबह दरवाजा खड़का है हमारा, वो बहुत ही पीछे है एक्चुअली, वो डबल खाते हैं डबल निकालते हैं, तो राहुल राहुल नाम है उनका। भाई तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, अभी देखो चेक करो, ये ग्लेशियर पिघल के आ रही है, ठीक है ये देखो डर लग रहा है पूरा, लेकिन हिल रहा है हमारे चलने से भी, और अभी चढ़ाई हमारी हमारी चढ़ाई अभी इस तरीके से होने वाली है कुछ आगे की, जितना मजा है उतना ही डर है उतना ही एडवेंचर है। जय भोले की। देखो भाई ऐसे रास्ते हैं, ये देखो टीम चल रही है, वो चढ़ाई चल रही सीधी ऊपर, जितना ऊपर करते रहो ऊपर चढ़ाई चढ़ाई पूरी है। ये देखो बिल्कुल भाई ये हिमालयन चोटी है ना, है ना जी, हिमालयन रेंज है ये, और हिमालयन रेंज के पास फाइनली हम पहुंच चुके हैं। जय भोले शंकर महाराज। तो यहाँ भैया अपना सलाद खा रहे हैं, थोड़ा रुक के पानी और पेट दोनों भर जाएंगे इसी में। जय भोले की। और भाई साथ में चल रही हमारी गर्म गर्म चाय सारे बहन की। जय भोले की। भाई ये हम हैं और वो ग्लेशियर है, और ये यमुना नदी जा रही है। तो हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम, और ये है ऊपर ग्लेशियर्स जो पिघल के यमुना जी में आ रहे हैं, यमुनोत्री धाम। जय माता दी। जय शंभो जय शंभो हर हर महादेव। भाई यहाँ पे एक हमारे भाई मिले हैं विपिन राणा, तो इनका चैनल का नाम है विपिन राणा व्लॉग, जाके चेक करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल करो सब्सक्राइब। तो भाई हमारे दर्शन हो चुके हैं, दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं, अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, अब उसके बाद जाएंगे उत्तरकाशी। जय भोले शंकर। भाई यहाँ पे बादल नीचे आ चुके हैं और बारिश जल्दी ही होने वाली है, तो हमें निकलना पड़ेगा जल्दी। ये देखो ये हैं बादल नीचे आ लिए कहीं, और अब बारिश जल्दी होने वाली है, बता रहा कि यहाँ पे कि बारिश होने वाली है, 9:30 बजे मूसलाधार हैवी रेनफॉल। भाई अगर यहाँ पे किसी को अगर ये जो खच्चर हैं घोड़े हैं, घोड़े नहीं जो खच्चर हैं ये करने ना, तो ये होते हैं 1100 रुपये अप डाउन, ये वाली ये इनका जो रेट पड़ता है वो पड़ता है 1100 रुपये अप डाउन, जो सक्षम नहीं है जो इसके बस की नहीं है तो वो जाओ बढ़िया, बाकी इनके फेवर में हम नहीं हैं इनको यूज़ करने के लिए, क्योंकि जानवर हैं इनको भी ये बहुत बुरी तरीके से टोर करके ले जाते हैं, अभी देखा था हमने रस्ते में तो मुझे लगा कि बार बता दूं आपको भी। जय भोले की। भाई सबसे जल्दी मैं चढ़ा था, तो भाई प्रवीण बताया कैसे चढ़ा था, जिसने देखा आंखों देखी चश्मदी तेरे, बताओ भाई चश्मे लगा के देखा है। हाँ जी हमने देखा कि भाई चढ़ गए क्रिश की तरह, एक पंजा भाई चोटी पे, एक पंजा भाई चोटी पे, तीन पहाड़ चढ़ गए, तीन पहाड़ उतरना पड़ा है भाई को, तीन कदम तीन पहाड़, तो ऐसे भागा हूँ मैं, बाकी तुम वीडियो में मंदिर में, और बाकी तुम वीडियो में देख लियो भाई, फिसल रहा हूँ भी मैं, ठीक है। जय भोले की। ये भाई ये बताओ मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है, कोई बता रहा देव द्वार दानव द्वार, बाकी पता नहीं, जो भी है सभी को नमन,
सभी भोले आनंद पूर्वक गंगोत्री की तरफ जाते हुए। चलो चलो बैठो, एक दो तीन स्टार्ट। और बारिश की वजह से यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे ही लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ रहा है हमें। यहाँ हो रही है भाई लैंडस्लाइड। एक साथ इतना सारा भार निकला है मलबा, हमारे दो बंदे वहीं रह गए। और यहाँ पर फिर से लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता जाम हो गया है भाई। भार हो रही है अभी भी बहुत ज्यादा, बारिश और साथ में हो रही है लैंडस्लाइड, तो हम आगे नहीं जा पाए। हम उत्तरकाशी जा रहे थे, ये सिलोटी है और सिवोटी में हो गई थी तगड़ी वाली लैंडस्लाइड करीबन 1.5 किलोमीटर की, तो हम रुके हैं अभी यहाँ पे अपने रूम लेके। 3 रूम लिए हमने और ये है हमारा रूम, ठीक है। यहाँ पे हम सोएंगे 3 बंदे। और आइए मैं आपको रूम से अवगत कराता हूँ, आइए हम आपको अपना रूम टूर देते हैं। ये आप हमारा हॉल तो देख ही चुके हैं और ये रहा हमारा वॉशरूम और ये यही रूम खत्म होता है और अभी यही सोएंगे। गुड मॉर्निंग। तो भाई यहाँ पे हो रही है करीबन 30-35 घंटे से लगातार बारिश और बीच में क्या होता है बस आधे घंटे 15 मिनट के लिए बारिश रुक जाती है। तो अभी हम रुके हैं रास्ते में, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था रात में, और वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि कंजेस्टेड हो रहा था हमें वीडियो बनाना। तो मैं यहाँ एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे सीधा गंगोत्री, वहाँ पर स्टे करेंगे और रात रात भर वहाँ रुकेंगे। उसके फिर अगले दिन मतलब कल अपना हम जल उठा लेंगे, हमारी डाक कावड़ शुरू हो जाएगी उसके बाद। तो मैं एक बार यहाँ का व्यू चेक करा दूँ, देखो व्यू है यहाँ बहुत बढ़िया, पर उतना ही डर भी लग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और लैंडस्लाइड हद हो रही है, हद लैंडस्लाइड हो रही है, हर 200-300 मीटर पे लैंडस्लाइड हो रही है। ये देखो भाई ये बढ़िया व्यू, और ये अब एक चीज़ दिखा दूँ, देखो पानी देखो कैसे बह रहा है, ये देखना भाई, ये अकेला बंदा कावड़ लेने आया है। ये भी भाई साहब सही में यहाँ पे हर 200-300 मीटर में हो रही लैंडस्लाइड, लेकिन इस बंदे का जज्बा देख रहे हो। ये देखो ये गाड़ी वापस आ रही है, कल हम भी ऐसी वापस आए आगे से, अभी तक वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है और रास्ता अभी तक खुला नहीं है। और ये देखो चारों तरफ सेम व्यू है, उधर भी इधर भी। ये देखो और ये भाई जा रहे हैं बारिश में, जय बोलेगी बारिश में खाने पीने के सामान की व्यवस्था करने के लिए। भाई यहाँ पे लग रहा है हमें पूरा पूरा टाइम, बाकी अब भाई बताएंगे आगे क्या हिसाब है। आगे यहाँ से 14 किलोमीटर उत्तरकाशी है और वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो गई है, जिस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो किसी को जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि पत्थर जो है लगातार गिर रहे हैं क्योंकि बारिश भी लगातार हुई है। तो कल से हम यहाँ फंसे हुए हैं रात से, अभी 11 बज गए हैं, अब वेट कर रहे हैं कि क्या होता है, अब देखते हैं आगे। राहुल भाई अपडेट करेंगे आपको आगे। जय भोले की, जय।
भाई यहाँ पे मजा तो पूरा आ रहा है, पर एक दिक्कत ये भाई कि टाइम से जल ले घर भी पहुँचना है। बस सिचुएशन यहाँ पे ख़राब है, बाकी बेहतरीन व्यू है। आप पीछे देख लो, देखो ये देख लो, ये हर जगह सेम व्यू सेम। अब ये रास्ता हो गया खुल, तो इधर का जो ब्रोकिंग हो गया था, जो लैंडस्लाइड हुई थी वो हो गई खुल, तो अब हम जाएंगे आगे। लेकिन हमें जहाँ पर जाना था गंगोत्री गोमुख, वो रास्ता अभी भी बंद है, तो अब हम तैयारी करते हैं अपने निकलने की। और ये रही हमारी पूरी पूरी टीम, ठीक है भाई, ये सब खड़े हैं, अब जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं। जय भोले की। भाई अभी रुके हैं हम नेताला के अंदर, ठीक है, आगे लैंडस्लाइड हो के दो गाड़ी एकदम डैमेज हो चुकी हैं और उसमें कुछ डेथ भी हो गई हैं। तो अभी हमने यहीं पे होटल लिया है और यहीं रुकते हैं, फिर कल निकलेंगे यहाँ पे हम गंगा जल लेके अपना कावड़ को लेके सीधा। और बाकी जो आगे की अपडेट होगी मैं बताता रहूँगा क्या हिसाब है क्या नहीं है। और यहाँ पे हमारी दूसरी टीम आ गई है साथ में, ये हमारे दूसरी टीम के भोले लोमेश भोले, विशाल भोले, सोनू भोले, चीता ही कह रहे शेर। तो भाई आगे की जो जो अपडेट होगी आप बताएंगे आपको। और भाई अभी तो मैं दिखाता हूँ नदी कितनी, गंगा जी कितनी उफान पे चल रही है, ठीक है, और हम खड़े कितनी चोटी पे, यहाँ पर पेड़ वेड़ भी बहवा के आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने गांव की दूसरी टीम के पास थोड़ा एंजॉय करने के लिए। जय भोलेगी। अरे यहाँ कौन कमल है। हमारे गांव के करीबन 150 लड़के आ रखे हैं एक कावड़ लेने, और अब ऐसा हो रहा है कि जैसे पूरा गांव ही आ रखा हो। और दीपक भाई ने फिर जो तोड़ मचा रखा, ढूंढो हेड़ा मुझे खेड़ा कापस हेड़ा आली मदनपुर जो सुलम में रपर जत में मदनपुर। और भाई ने जो ऐसे डांस करके ना ओड़े के रहे ना, यू है भाई हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोई टक्कर में ही ना भाई डांस में, तो भाई का रिश्ता हुआ है चमोली से। चमोली सु ये बटम हुआ है अगली का डालूंगा ना। अरे दीपक भाई डोन भोले, दीपक भोले कावड़ बोलो, ये इनकी 28वीं कावड़ है, कितनी ये इनकी 15वीं कावड़ है भाई की। ये हमारे गुरुजी यहाँ पे, ये बताएंगे कुछ। जय बाबा जी भाई, गंगोत्री धाम पे आए, चाय पीने की तैयारी हो रही है, आगे रास्ता गिरा पड़ा, गिरा ही पड़ा मतलब। जय भोले की। भाई व्यू देखो यहाँ पे, और एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे निकल लगी है धूप भी, ये देखो। अब कल तक शायद अगर ये ऐसा रहा तो बहुत बढ़िया। जय भोले शंकर। भाई सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए यहाँ से। अब उठाएंगे अपना जल, आगे जाएंगे थोड़े कुछ टेम्पो से, उसके बाद उठाएंगे जल
फिर अपनी यात्रा शुरू, फिर कहीं भी नहीं रुकना हमें। जय भोले शंकर। एक बात और बताऊं भाई, डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। बहाव देखो भाई, बहाव भाई साहब, हाँ भाई अभी भाई पहुंचे हैं हम बीच रास्ते में गंगोत्री के, और देखो पहाड़ बहुत ही ज्यादा बड़ा। ओ शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, जय की जय। भाई गंगोत्री आ गए हैं हम, गोमुख नहीं जा रहे, ये देखो पीछे, जय भोले शंकर। और ये देखो यहाँ के पहाड़, और ये है माँ गंगोत्री का प्रवेश द्वार, और यहीं से हम अपना गंगा जल उठाएंगे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं गंगोत्री के घाट पर, और ये देखो यहाँ का भाव कितना तगड़ा चल रहा है, और भोले बाबा की कृपा करके हम एकदम सेफ हैं यहाँ पे। और देखो ये पहाड़, पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़। और यहाँ हो रही है माँ गंगा जी की आरती, उसके बाद जल उठा के हमारी कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। एक बार हमने सिंह बनाते ये हमारे भगत जी हैं, जोगिंदर भाई। भाई यहाँ पे हमारी गंगा पूजा हो चुकी है, अब जल लेके चलेंगे सीधे, और उसके बाद भाई कहीं नहीं रुकना, सीधा चलते रहना, सीधा घर, घर पहुँचे सीधा शिव मंदिर पे अपने पे जाके जल चढ़ाना है। जैसे ही हमारी कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो वैसे ही बारिश शुरू हो गई, और यहाँ पे जल भराव भी हो गया, और नवीन भाई और कुछ तीन चार भोले हमारे जल को लेकर आगे निकल चुके हैं, और बाकी हम सभी भोले पीछे रह गए हैं टेम्पो के साथ। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ही खतरनाक आगे का सीन चल रहा है, और यहाँ पे हम सबको भी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा डर, आगे लैंडस्लाइड हो गई और उससे हो गया रास्ता जाम। तो यहाँ पर सभी भोले अपनी कांवड़ को लेकर घूम रहे हैं, जो कि एक रूल होता है कांवड़ कभी भी रुकनी नहीं चाहिए एक जगह, अगर कुछ भी हो तो उसको लेकर घूमते रहना चाहिए। और ये देखो ये लैंडस्लाइड बिल्कुल हमारे साथ ही हुई है, अभी हम यहाँ से जल लेके जा रहे थे और आगे थे हमारे तीन चार भोले, अचानक से ऊपर से लैंडस्लाइड हो गई। और ये देखो यहाँ पे नवीन भाई रास्ता क्रॉस करा रहे हैं सबको आराम से, बहुत ही ज़्यादा डर वाला हिसाब किताब बना हुआ था यहाँ पे, अरे अभी सामने गिरा। और अब यहाँ पे टीम चेंज होगी, यहाँ से हम चलेंगे अपनी डाक कावड़ को लेके, और बारिश के चक्कर में हम कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जय बोलेगी। ये जो व्यू है ये है मसूरी का व्यू है, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा,
हमें ये मसूरी क्रॉस करके हमें पहुंचना है देहरादून और उसके बाद हमारी टीम हो जाएगी चेंज। तो अभी है हम मसूरी के अंदर और यहाँ पे आ रहे हमारे भोली भोले कावड़ लेके, जय भोले की, बोल शंकर महाराज की जय। तो मैं हमारे भोले कावड़ ले जाते हुए अब है भोले, तो भोले गोमुख से गंगोत्री से निकल के हम आ गए मसूरी और मसूरी में अभी हम बादलों के बीच में अपनी कावड़ लेके चल रहे हैं। हम पांच भोले हैं, हमको करना करीबन 60 किलोमीटर कंप्लीट, उसके बाद हमारी टीम चेंज होगी और आगे की चीज आप देखते रहोगे। जय भोले की जय भोले। जय भोले शंकर, साइड रे, जय भोले की। पैदल भोले, पैदल 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 आ रहे हम, ठीक है चलता रहे। ये देखो भोले, ऊपर बादल नीचे बादल और बादलों के बीच में है हम, और यहाँ पे भोले पूरी तैयारी में लगे पड़े हैं। जय भोले की। जय भोले की। और ये राहुल भोले बादलों का सीना चीर के डाक कावर को आगे ले जाते हुए। और इसी तरीके से जैसे जैसे हमें बीच में टाइम मिलता है अपना चाय नाश्ता और खाना हम इसी तरीके से बनाते रहते हैं बीच बीच में। और अभी हमने कर लिया अपनी टीम चेंज सब कैच के, और अब हम रुके हैं यहाँ पर अपना खाना बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे बनेंगे दाल और रोटी और ये रे साथ में बाग, यहाँ पे लग रहे हैं आम। और ये राहुल भाई आम लाते हुए बाग से, और ये रे हमारे बाग यहाँ। Thank you.
मंदिर को लिख लो। ये भोले बाबा की मदनपुर टीम, जय भोले की। राजा कुछ हमारे पीछे थोड़े हैवी भोले और तो ये लैंटर भोले। बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव। बम बम बोल, बम 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 की जय। बोला रे तेरी बम 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 बम। और भाई अब हम जा रहे हैं बाबा खेड़ा को पूजने के लिए। बाबा खेड़ा को जल से नहलाएंगे, उसके बाद माता पे जल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम चल देंगे अपने घर। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। इधर से हाँ और अब यहाँ पर मेरे घर वाले कर रहे हैं मेरा वेट और करेंगे मेरा वेलकम।